तो गाइज मैं इस वीडियो में अचीवमेंट सिस्टम के बारे में एकदम डिटेल्स के साथ बात करेंगे। गाइज मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम देते हो, ठीक है, वीडियो तो ब्रो लंबा होगा लेकिन आप इमोट को आराम से क्लेम कर पाओगे, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। क्यों देता हूँ, अब मैं इसका आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ। जितना सारा यहाँ पर मिशन दिया गया है, ठीक है, जितना सारा मिशन दिया गया ना, ए टू जेड आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पर वीडियो लंबा होगा लेकिन आप मिशन के बारे में ना डिटेल के साथ समझ पाओगे कि कैसे कंप्लीट करना है, कौन सी गेम प्ले करना है, ए टू जेड। जितना सारा यहाँ पर रिवार्ड्स देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर इमोट देख पा रहे हो, एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गन स्किन देख पा रहे हो, एंड यहाँ पर ये सब रिवार्ड्स देख पा रहे हो, ए टू जेड यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे। इससे पहले गाइस हम लोग कल का विनर के बारे में बात कर लेते हैं। यही दोनों भाई साहब जो 10 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक यहाँ पर रेडियम कोर जीता था, अगर आप भी जीतना चाहते हो वीडियो को लास्ट तक देखो एंड आप भी समझ जाओगे कैसे होता है। उससे पहले गाइस हम लोग पूल डिटेल के साथ इस इवेंट के बारे में एकदम डिटेल के साथ बात कर लेता हूं। चलो गाइस बिना बकवासी के साथ इस इवेंट को करता हूं स्टार्ट। सीधा आपको यहां पर क्लिक करना है, नीचे जो ऐप है आप देख पा रहे हो, अगर आप यहां पर क्लिक करते हो यहां पर ही आपको अचीवमेंट इवेंट यहां पर देखने को मिलता होगा। सीधा आपको इसी पर यहां पर क्लिक करना है। अगर आप सब यहां पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पर ऑल देखने को मिलेगा, बैटल देखने को मिलेगा, कलेक्टर देखने को मिलेगा एंड करियर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा ये सब के बारे में यहां पर मैं समझा देता हूं। अगर मैं यहां पर ऑल पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको मैं यहां पर सीधा क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर अगर मैं यहां पर बैटल पर क्लिक करता हूं तो आपको कुछ इस तरह का लोगो देखने को मिलता होगा, आपको बैटल वाला यहां पर पॉइंट को कंप्लीट करना है। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं कलेक्टर पर तो आपको कलेक्टर वाला यहां पर पॉइंट को कंप्लीट करना है। करियर पर क्लिक करता हूं तो आपको यहां पर करियर वाला पॉइंट पर यहां पर मतलब कंप्लीट करना है। यही तीनों मिलाकर यहां पर आप जब जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बैटल, कलेक्टर एंड करियर, ठीक है, यही तीनों मिलाकर यहां पर ओवरऑल यहां पर पॉइंट्स होता है। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो मतलब अगर आप इन तीनों में, मैं मान लेता हूं इन तीनों में जो आप मिशन कंप्लीट करोगे, ओवरऑल में जो पॉइंट कंप्लीट होगा, तो इसी में से आप अगर तीनों में से अगर पॉइंट पूरा के अगर आप 8000 पॉइंट पूरा लेते हो अचीवमेंट सिस्टम में, तो आपको ये वाला इमोट एकदम फ्री में क्लेम करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहां पर अलग रिवार्ड से मैं ज्यादा यहां पर बात नहीं करूंगा। अब आप लोग समझ गए यहां पर ऑल पे क्या होता है, कि आपको इसका इवेंट एंड इसका इवेंट तीनों का आपका इसी में आपको ऊपर नीचे यहां पर नीचे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अलग अलग कंप्लीट करना चाहते हो तो आप बैटल पर भी जाकर अलग से कंप्लीट कर सकते हो, एंड कलेक्टर पर भी जाकर कंप्लीट कर सकते हो, एंड करियर पर भी जाकर कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हम आपको ए टू जेड इवेंट के बारे में समझाएंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहां पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करके आप जो कंप्लीट किए हो यहां पर क्लिक करोगे तो आपको कंप्लीट वाला मिशन दिख जाएगा, आप ये सब ने कंप्लीट कर दिए हो। अगर आप सब जो कंप्लीट नहीं किए हो इनकंप्लीट पर आपको ये सब दिखेगा। ये सब के बारे में छोड़ता हूं एंड आपको हम डिटेल के साथ यहां पर ए टू जेड इवेंट के बारे में समझाते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर से कट करेंगे। अब यहां पर ऑल पर आ चुका हूं, अब मैं इसमें सारा इवेंट आ जाता है, बैटल का, कलेक्टर का एंड करियर का। चलो अब मैं यहां पर से शुरू से यहां पर स्टार्ट करता हूं। देखो यहां पर जैसे मैं यहां पर ऑल पर हूं तो यहां पर पहला है इन द ब्लैंक ऑफ एन आईज। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखो आप सबका भी यहां पर कंप्लीट हो गया होगा। मतलब गाइज यहां पर देखो ये क्या चीज है व्हाइट वाला, ये गाइज एक टाइटल है 4 ईयर ओल्ड वाला, एंड यहां पर आपको 2 ईयर ओल्ड वाला, एंड मतलब यहां पर आपको 1 ईयर ओल्ड वाला। मतलब गाइज आपकी जो आईडी होती है, वे आईडी जिसमें आप खेल रहे हो, कितने साल से आप खेल रहे हो, आप जितने साल से आपका मतलब आईडी खेल रहे हो, मतलब जब से आप क्रिएट किए हो उस दिन से जितना दिन हुआ है, अगर 4 साल हो गया है तो आपको 4 साल वाला टाइटल मिलेगा, 2 साल वाला टाइटल मिलेगा एंड 3 साल, 4 साल यहां पर कंप्लीट होने वाला है। 3 साल, 3.5 साल लगभग, मतलब 3 साल लगभग हो गया है। तो गाइज यार मैं इस आईडी की बात कर रहा हूं, तो आपका जो भी हुआ होगा, अब मैं टाइटल किसको कहता है, अगर आप यहां पर प्रोफाइल पर क्लिक करोगे वे मिशन गाइज आपका डेज वाइज डेज कंप्लीट होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया तो 1 साल वाला यहां पर बैजेस मैंने क्लेम कर लिया था, 2 साल वाला बैजेस क्लेम कर लिया था। अगर मेरी यही वाली जो आईडी है अगर 4 साल कंप्लीट हो जाता है तो मेरी 4 साल वाली ये वाली येल्लो वाला ये अनलॉक हो जाएगा। तो गाइज आप लोग को वहां पर से पॉइंट कैसे मिलने
वाला है। अगर मैं यहाँ पर अचीवमेंट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप सब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर लिखा गया है कि आप लोग यहाँ पर से क्लेम कर सकते हो। एंड मुझे इससे जो पॉइंट मिला 20 पॉइंट एंड 50 पॉइंट यहाँ पर से ये दोनों मिलाकर यहाँ पर ऐड हो गया, तो यही तो मुझे 8000 यहाँ पर पुराना है। तो गाइज आप लोग ये समझ गए। अब यहाँ पर दूसरा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें आपको यही कंप्लीट करना है, 30 किल करना है। अगर आप 30 किल कर लेते हो तो आपको 20 पॉइंट मिलेगा, 200 किल कर लेते हो तो 50 पॉइंट मिलेगा, अगर 800 टोटल किल कर लेते हो तो 100 पॉइंट मिलेगा। ये तीनों पॉइंट आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सेकेंड वाला स्टेप समझ गए। अब मैं थर्ड वाला जल्दी से आपको समझाता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, स्पीड से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा स्किप करके पीछे आप सब देख लेना। यहाँ पर बी आर रैंक में आपको 5 टाइम आप लोग को प्ले करना है। बीआर रैंक इसको कहते हैं, आप सब देख पा लो, ये आपको 5 टाइम प्ले करना है, 30 टाइम प्ले करना है, 100 टाइम प्ले करना है, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, आपको ये सब जितना भी पॉइंट है यहां पर ऐड हो जाएगा। अब चलो गाइस यार मैं आपको ये वाला यहां पर मिशन समझाता हूं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखो आपको 50 फ्रेंड होना चाहिए, 120 फ्रेंड होना चाहिए एंड 200 फ्रेंड होना चाहिए। मेरे पास 196 फ्रेंड है। अगर मैं 4 फ्रेंड और बना लेता हूं तो मुझे यहां पर से 100 पॉइंट मिलेगा एंड ये तीनों पॉइंट यहां पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद अपना फ्रेंड को डिलीट करो, कुछ भी करो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। एंड आपको यहां पर से फ्रेंड वाला ये भी आपको यहां पर से बैज मिल जाएगा। अब गाइस हम लोग यहां पर लाइक मी लव मी बात करता हूं, मैं यहां पर क्लिक करता हूं लाइक पे, तो ये लाइक का टारगेट है। अगर आपके आईडी में टोटल 5000 लाइक हो जाता है, मतलब अब से जब लाइक होगा, जब से ये मिशन आया है अब से लाइक आपका 5000 होना चाहिए, तो ये आपका तीनों क्लेम हो जाएगा एंड आपको यहां पर से यहां पर से यहां पर से पॉइंट मिलके इसमें ऐड हो जाएगा। जिसमें से मैंने यहां पर पॉइंट को क्लेम नहीं किया, ये सब आपको लाइक लेके यहां पर पॉइंट को क्लेम करना है, समझ रहे हो ना, क्लास स्क्वाड खेल के। एंड चलो अब मैं यहां पर कंप्लीट करता हूं, यहां पर देखो अब मैं यहां पर आता हूं पेट वाला पे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद आप जो पेट होता है, इस पेट अगर आपके पास 5 है 5 है 15 है या 25 है, 25 होगा तो ये आपको मैं मतलब यहां पर से ऑटोमेटिक क्लेम हो जाता है। बहुत सारे पेट वाले मिशन आता है, हमेशा आता है। देखो गाइस जल्दी तो मिशन कंप्लीट नहीं होगा, 1 से 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन 1 दिन जरूर होगा, 1 मंथ 2 मंथ तक लग सकता है अगर आप धीरे धीरे मिशन को कंप्लीट करोगे, क्योंकि हर पेट एंड कैरेक्टर गरीना आपको फ्री में देती है। तो आप लोग इसके बारे में समझ गए। अब मैं आपको यहां पर क्लिक करता हूं, जैसे अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखो ये एनिमेशन है, यहां पर जो देख पा रहे हो एनिमेशन, यही कहते हैं जो गाइस आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पास 2 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए, मेरे पास 8 होता इसलिए मेरा यहां पर ये क्लेम हो गया। अगर आपके पास जितना होगा तो यहां पर आपका ये क्लेम हो गया होगा। यहां पर टाइम भी लिखा जाता है, जब तारीख को आप क्लेम किए, आप लोग इसके बारे में समझ गए। एंड बहुत सारा इसमें डायमंड वाला भी इवेंट है, डायमंड वाला इवेंट है तो वे सब अगर कंप्लीट नहीं होगा, फ्री वाला भी बहुत सारे इवेंट है लेकिन वे भारी मिशन है, कुछ दिन में कंप्लीट हो गए लेकिन जरूर होगी। तो अब मैं इसके बारे में बात करता हूं लाइव सर्वर पर। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो इसका मतलब यही होता है कि आपका जो फ्रेंड है उससे आपको रिवाइव लेना है। अगर आप लोग यहां पर मतलब टोटल 150 बार रिवाइव लेते हो तो यहां पर से आपको पॉइंट मिलेगा। अभी तक मैं यहां पर 20 बार रिवाइव लिया हूं इसलिए मेरा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब 35 बार लिया हूं, 50 बार लूंगा तो ये भी मुझे पॉइंट होकर यहां पर ऐड हो जाएगा ऑल पे। अब मैं यहां पर बात करूंगा बुइया प्रो के बारे में। बुइया प्रो पे अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो आपको बीआर जो रैंक होता है, ये बीआर रैंक, इसमें आप अगर टोटल 30 टाइम बुइया ले लेते हो, आज नहीं आप 1 मंथ में लो, 2 मंथ में लो, 3 मंथ, क्योंकि इवेंट बहुत लंबा, कोई डेट नहीं है खत्म होने का, मतलब समझ लो जब तक है गाइस ये बहुत लंबा रहेगा। तो टोटल आप लोग कभी भी 30 टाइम बुइया करोगे तो आपको यहां पर से भी बहुत सारा पॉइंट कलेक्ट करने को यहां पर से भी मिल जाएगा, किसमें, बीआर रैंक में। तो अगर अब मैं यहां पर बात करता हूं इसके बारे में, अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो इसका मतलब यही है। यहां पर देखो आपको मतलब ये वाला जो मशीन होता है, जो आप लोग बीआर मैप फुल मैप खेलते हो, इसे आपको अनलॉक करना है। अगर आप 30 टाइम अनलॉक कर लेते हो कभी भी जब भी आप खेल रहे हो तो ये आपका मिशन आराम से कंप्लीट हो जाएगा, यहां पर से भी पॉइंट मिलके एंड यहां पर ऐड हो जाएगा। तो ये भी एक हल्का सा यहां पर मिशन है। अब हम बात करेंगे माय नेम कैरी के बारे में। माय नेम कैरी पर अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो इस पर यही होता है कि एमबीपी बनना है। एमबीपी किसको कहते हैं, अगर आप बीआर गेम प्ले करो या अगर आप सीएस गेम प्ले करो, ठीक है, सीएस रैंक, उसमें जो सबसे हाईएस्ट किल कर जब आप इंटरफेस आते हो, एमबीपी बनते हो, उसी को कहते हैं। आप लोग समझ रहे हो, सबसे जो हाईएस्ट किल करता है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर टोटल यहां पर सीएस मोड में करना है, किसमें करना है, सीएस मोड में, सीएस रैंक खेलो कोई भी, अगर आप 50 टाइम बन जाते हो तो आपको यहां पर से आराम से पॉइंट मिल जाएगा, इसमें कोई डायमंड नहीं लगता है। सीएस रैंक खेलना है, सबसे हाईएस्ट किल करना है, आप आराम से एमबीपी बन जाओगे एंड आपका यहां पर ऐड हो जाएगा। अभी देख पा रहे हो मेरा कितना सारा यहां पर मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा 2000 ऐसे ही हो गया
किया है, आपका भी 1-2000 ऐसे शो करता होगा। बहुत सारे मिशन ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है करेक्टर सब जब आपके पास रहता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में, बीआर में यहाँ पर फेमस के बारे में। यहाँ पर क्लिक करता हूं तो इसमें यह होता है कि ओपन ग्लोरी का टाइटल, इसका मतलब होता है कि बीआर जो गेम होता है उसमें आपको 5 टाइम ग्लोरी वाला टाइटल को लेना है। ये थोड़ा सा हार्ड है ब्रदर, लेकिन अगर आप लेते हो तो आपको यहां पर टोटल 50 टाइम लेना है। अगर आप ले लेते हो कभी भी तो आपका ये यहां पर मिशन कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो। अब यहां पर हम बात करते हैं इसके बारे में। अगर आप सब यहां पर क्लिक करते हो, ठीक है, क्लिक करने के बाद इसमें यही होने वाला है कि आपके पास टोटल 20 रेफल स्किल होना चाहिए। जो गाइस आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसमें सारा आ जाता है, जितना भी आप गन स्किन देख पा रहे हो, जितना भी गन देख पा रहे हो, तो ये आपको टोटल आपके पास 60 स्किन रहेगा। कोई भी स्किन रहे, लेजेंडरी या नॉर्मल, तो ये आपका क्लेम हो जाएगा। जैसे मेरा यहां पर क्लेम हुआ, तो ये वाला थोड़ा हार्ड मिशन है, ये आपका बहुत लंबा ले लेगा टाइम को मिशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब गरीना फ्री में देगा स्किन तभी ये सब कंप्लीट होने वाला है। अब मैं यहां पर बात करूंगा इन योर फेस। अगर मैं यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसमें यही चीज है कि शॉर्ट गन, अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट गन की स्किन है, 30 गन स्किन, अगर कभी भी अगर आपके पास शॉर्ट गन हो जाता है उसमें, मतलब कोई भी शॉर्ट गन आ जाता है, कोई भी शॉर्ट गन रहे, तो आपका ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये पॉइंट जो होता है यहां पर आपका ऐड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, इसमें लिखा गया है इसके बारे में मार्क्समैन रिफल स्किन। आप सब जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर आप लोग के पास ये वाली स्किन 25 हो जाता है, कभी भी हो जाता है, तो आपको यहां पर से पॉइंट मिलेगा एंड आपका ये वाला आराम से मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से ओनली मेरे पास 60 स्किन है। आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये सब गाइस थोड़ा डायमंड वाला मिशन है एंड फ्री में भी गन स्किन मिल जाता है कहां कहां पर से, और आगे आने वाला समय में बहुत सारी गन स्किन आप सबको नॉर्मल वाली मिलेगी। तो अगर हम यह बात करेंगे नॉर्मल वाला, अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, इसमें यही लिखा गया है, अगर आपके पास 25 पिस्टोल की गन स्किन है, जो गाइस आप लोग पिस्टोल सेक्शन दिया गया था उसमें जो भी पिस्टोल आ जाता है, अगर आप लोग के पास कोई भी पिस्टोल स्किन है, अगर 25 हो जाता है, तो आपको यहां पर से भी पॉइंट मिल जाएगा, यहां पर आपका ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे माय कलरफुल सेफ्ट गार्ड के बारे में। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ये हो जाता है गाइस ग्लूबल। अगर आपके पास सिंपल है, अगर 40 ग्लूबल की स्किन है, तो ये आपकी मिशन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 10 ग्लूबल की स्किन रहेगी तभी होगी एंड ग्लूबल तो गाइस गरीना जल्दी फ्री में नहीं देता है, लेकिन आने वाला समय में ग्लूबल बहुत ज्यादा फ्री में देने वाला है। मतलब जिसके पास डायमंड, जिसके पास ग्लूबल, तभी गाइस ये कंप्लीट होगा, समझ लो आपका भाई नहीं तो हो गया। देखो मैं भी कंप्लीट करूंगा ब्रदर, लेकिन अभी मैं कंप्लीट करने के लिए लग नहीं रहा हूं, समझ रहे हो ना, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना पड़ता है, इसलिए मैं आपको मिशन यहां पर समझा रहा हूं। आपका भाई जिस दिन कंप्लीट कर लेगा, तो गाइस एक बार जोर बोलता हूं, मैं शॉर्ट वीडियो में आप सबको क्लेम करके जोर बताऊंगा। अब चलो मैं यहां पर बात करूंगा इसके बारे में, ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो आप सब स्क्रीन पे देखो ये ग्रेनेड है गाइस, इसमें समझाने में बात नहीं है। 40 ग्रेनेड की स्किन अगर आपके पास है तो ये A to Z आपका क्लेम हो जाएगा। जैसे मेरे पास है तो यहां पर देख पा रहे हो ये क्लेम हो चुका है, मुझे पॉइंट भी यहां पर मिल चुका है। अब यहां पर बात करूं तो ये क्या चीज है, अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो ये हीरोइक है ब्रदर। आप सब जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो CS रैंक, अगर इसमें अगर आप 10 टाइम हीरोइक पहुंच जाते हो, अगर पहुंच गए होगे, ऑटोमेटिक आपका यहां पर मिशन कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप नहीं पहुंचे हो तो आपको 10 सीजन में हीरोइक पहुंचाना पड़ेगा CS रैंक में। एक सीजन, आज ये एक सीजन है, हर अपडेट में होता है ना, हर सीजन चेंज होता है, तो हर सीजन में आपको यहां पर 10 बार पहुंचाना पड़ेगा, तब आपका कंप्लीट होगा एंड तब आपको यहां पर से एक यहां पर आपको मिलने वाला है CS हीरो वाला यहां पर टाइटल। अब मैं यहां पर से कट करता हूं, अब मैं आपको बताता हूं ये वाला ये क्या चीज है, ये लास्ट वाला है ऊपर वाला। तो अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा, इसमें क्या होगा, कोडरा किल। आपको कोडरा किल करना है, किससे करना है, ग्रेनेड से करना है। मतलब एक मतलब देखो, कोडरा किल मोर विथ ग्रेनेड एक टाइम, मतलब एक ही टाइम में आपको कोडरा किल करना है, मतलब 4 किल करना है ब्रदर ग्रेनेड के साथ, समझ रहे हो, एक ही गेम में आपको 4 किल करना है ग्रेनेड के साथ। अगर आप सब मतलब कोडरा किल करना है यार ग्रेनेड से, वो बहुत ही ज्यादा भारी मिशन है ब्रदर। मुझे नहीं पता ये होना संभव है कि नहीं है, लेकिन भारी बहुत है ब्रदर मिशन। तो ये आपको टोटल 10 टाइम करना है, आपका
का भाई एक बार भी नहीं किया है, एक टाइम, फाइव टाइम, टेन टाइम, तब आपको ये पॉइंट मिलने वाला है। इमोट लेने के लिए गाइस मिशन तो भाई बहुत तगड़ा है, ग्रेनेड का आपको यहाँ पर बन भी आर्टिस्ट यहाँ पर दिया जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरह मैंने ऊपर वाला का सारा यहाँ पर बता दिया, समझ रहे हो, एंड ऊपर वाला सारा बता दिया, अब नीचे वाला बताएंगे। अब मैं यहाँ पर ये वाला पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हार्डवर्क पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक किया तो इसमें है गाइज लेबल। इसका मतलब क्या पता चलता है, रीच लेबल 20, रीच लेबल 50, रीच लेबल 80। आपके आईडी में जो लेबल है, अगर ये कितना लेबल है 80 लेबल पूरा लेते हो तो ये आपका सारा कंप्लीट होगा। अभी मेरा आईडी में 67 लेबल है तो यहाँ पे 67 लेबल शो हो रहा है, तो अगर मैं 80 पुराऊंगा तब मुझे ये क्लेम यहाँ पर होगा एंड मुझे ये टाइटल यहाँ पर ओल्ड इज गोल्ड वाला टाइटल यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। इसी तरह आप जितना लेबल में हो आपका यहाँ पर शो होगा, उसके लिए आपको लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब मिशन तो ब्रदर बहुत भारी है, एक दिन में तो भाई कंप्लीट नहीं होगा, मुझे 1, 2, 3, 4, 5 महीने भाई, जो ओल्ड बंदे है ना वही भाई जल्दी को मिशन को कंप्लीट कर आएंगे, नए बंदे के लिए भाई बहुत आपको टाइम लगने वाला है, रियलिटी है। लेकिन इवेंट तो ब्रदर जान लो, समझ रहे हो। तो अब मैं यहां पर बात करूंगा हेडशॉट यहां पर मशीन के बारे में। हेडशॉट मशीन पर अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, सबको तो ये समझाने वाली बात नहीं, आपको पता है जब हेडशॉट वाला जब नाम आ गया तो 50 हेडशॉट मारना है, 200 प्लेयर को हेडशॉट मारना है, 600 प्लेयर को हेडशॉट मारना है तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ब्रदर। जिसमें से अभी मैंने 331 को हेडशॉट मार दिया, MP40 से मारो या कोई भी गन स्किन से मारो भाई मार सकते हो, कोई भी गन स्किन से, ठीक है, कोई भी मोड में। तो चलो मैं यहां पर से टाइटल भी क्लेम कर लेता हूं और मुझे यहां पर से टाइटल भी मिल गया। अभी मुझे ये वाला नहीं मिला है, मिलेगा जब 600 यहां पर मैं हेडशॉट मार दूंगा। तो अब मैं यहां पर बात करता हूं, हेडशॉट बात कर लिया, ये बात कर लिया और CS वाले के बारे में बात करता हूं। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं इसमें तो गाइस हल्का ये देखो मैंने बोला ना कोई कोई हल्का भी मिशन है ब्रदर, कोशिश करोगे ना तो शायद आपकी 8000 यहां पर पुर जाए, समझ रहे हो। तो यहां पर 5 टाइम आपको CS गेम प्ले करना है, 30 टाइम प्ले करना है, 100 टाइम गेम प्ले करोगे, 51 टाइम में गेम प्ले कर सकता हूं। यही वाला CS रैंक मोड कभी भी प्ले करो, आज कल 2, 3, 4 महीने कब तक मैं भी उतना गेम प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे गाइज, अब मैं इसके बारे में, अगर मैं ये गिल्ड वाला जो एरो है अगर मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये गिल्ड वाली मिशन है। अगर आप कोई भी गिल्ड में ज्वाइन हो तो ये ऑटोमेटिक आपका क्लेम हो गया होगा, ये तो गाइज नॉर्मली सबका यहाँ पर क्लेम हो ही गया होगा। अब मैं बात करूंगा इसके बारे में, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये करेक्टर वाला है, मैं करेक्टर वाला पर क्लिक करता हूँ, अगर आपके पास टोटल 50 करेक्टर ओवेंट है तो ब्रदर ये आपका ओवेंट होगा एंड आपको क्लेम कर लेना है, ठीक है। ये तो मुझे सबसे ये सबका करेक्टर जितना करेक्टर होगा इतना आपका यहां पर लिखाया होगा ब्रदर, मेरे पास 50 करेक्टर है तो ये मुझे सारा पॉइंट यहां पर ओवेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे गाइस इमोट के बारे में, गाइस ये इमोट वाला तो ब्रदर यार मतलब बहुत कमी बंदे के पास इमोट है और 100 इमोट का भाई टारगेट रखा है करीना ने, जिसमें से मेरे पास 72 इमोट है ब्रदर, ठीक है। तो आपके पास जितना इमोट होगा वे कंप्लीट होगा, ये तो गाइस फ्री वाला नहीं है, ये तो मैं पहले बता रहा हूं। तो गाइस यार इसको भी मैं यहां पर से कट करता हूं, ये तो समझदार हो आप सब। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये शायद गाइस इबो गन है, इबो गन गाइज मेरे पास 12 इबो गन है, अगर आपके पास जितना इबो गन होगा इतना यहाँ 2 इबो गन होगा तो ये आपका क्लेम हो गया होगा, 6 इबो गन होगा, एक भी अगर इबो गन नहीं है तो ब्रो आपका एक भी कंप्लीट यहाँ पर नहीं होगा कभी भी, समझ रहे हो। इसी वजह से मैं क्लियर करना चाहूंगा ब्रो, वीडियो लंबा होता है लेकिन डिटेल के साथ समझाता हूँ, समझ रहे हो। तो गाइज यार अब मैं यहाँ पर बात करूंगा इसके बारे में, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसमें गाइज क्या चीज है पता है, ये भी गाइज बहुत बढ़िया चीज है, मतलब यहाँ पर लिखा गया है सक्सेसफुल्ली रिवाइव 15 टीममेट, मतलब गाइज आपको सक्सेसफुली रिवाइव करना है। आप बोलोगे मंडे भाई सक्सेसफुली रिवाइव करना है, मैं समझा नहीं, मतलब आपको रिवाइव करना है टीम मेट को एंड ऑटोमेटिक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली रिवाइव यहां पर करना है एंड आपको सक्सेसफुली रिवाइव 100 टीममेट, मतलब अपना फ्रेंड को, मतलब होता है ना जैसे BR मैच में सारा फ्रेंड को आपको रिवाइव कर देना है, तो आप इस तरह रिवाइव करके एंड यहां पर से मिशन को कंप्लीट कर सकते हो, ये भी तो समझाने वाली बात नहीं है। अब यहां पर मैं करता हूं बुइया के बारे में। बुइया के बारे में भी समझाने का बात नहीं है, सीएस जो रैंक जो मोड होता है टोटल का जो 100 टाइम बुइया करना है, 35 टाइम जितने बार बुइया की हो गई यहां पर मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ब्रो ये सब हल्का फुल्का मिशन है, अब यहां पर बात करता हूं इसके बारे में। ये गाइस आपको मैं समझाऊंगा नहीं, ये गाइस एयर ड्रॉप है, अगर आप सब अनलॉक द प्रेस ऑन द डिफॉल्ट एयर ड्रॉप 10 टाइम, आप जो एयर ड्रॉप जो देख पा रहे हो इस एयर ड्रॉप का आपको 10 टाइम मतलब समझ रहे हो ना क्या करना है, परचेस ऑन द मतलब परचेस करना है, काम खत्म। तो ये भी हल्का फुल्का मिशन है,
गाइस अब आराम से यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे। मेरे हिसाब से मैंने इसमें कुछ गड़बड़ किया क्या? अगर मैं कुछ यहाँ पर गलत, अगर मैं कोई वीडियो में अगर आपको मैं समझा रहा हूँ तो आपको घबराने की बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑल करना है एंड कॉमेंट करना मत बोलना, और साथ में मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, समझ रहे हो? अगर मैं कहीं में अगर मिस्टेक कर रहा हूँ समझाने में तो। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा इसके बारे में। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसमें होता है क्या, एडवांस मिस्ट्री, एडवांस मिस्ट्री गन। आप सब जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मतलब एडवांस वाला जो ईबो गन है, ठीक है, ये वाला आपके पास कितना रहना चाहिए, जो एडवांस जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो है इसमें आपने जितना भी गन को यहाँ पर ओवेंट किया होगा, एक गन को मेरा यहाँ पर ओवेंट है, मतलब यहाँ पर मैं जितना बार खेलोगे तो आपको जितना बार क्लेम करोगे 10 बार लेना है तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, समझाने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा इसके बारे में, एडवांस वाली कौन सी बात कर लिया मैं, यहाँ पर बात कर, अब मैं यहाँ पर सीएस वाला यहाँ पर बात करूंगा। अगर मैं यहाँ पर सीएस वाला खेलूंगा तो यहाँ पर सीएस अपॉन ग्लोरी आपको टाइटल, या मतलब सीएस वाला आपको यहाँ पर टाइटल को कंप्लीट करना पड़ेगा, बीआर का था एंड आपको सीएस भी यहाँ पर टाइटल को लेना पड़ेगा, आप जो भी मतलब स्टेट से हो, समझ रहे हो? तो ये थोड़ी भारी मिशन है ब्रदर, ये हमसे भी नहीं होती है, मतलब सब होती है ब्रदर लेकिन थोड़ा भारी है, समझ रहे हो? तो यह थोड़ा मैं हल्का में फोकस करूंगा। तो इसमें मुझे हिसाब से यार आप सब लिए ये इमोट लेना मेरे हिसाब से पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल होने वाला है, मिशन बहुत हार्ड है, एक बात है मैंने यहाँ पर देखा हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप हल्का फुल्का मिशन कंप्लीट करोगे 3 से 4 से 5 हज़ार पॉइंट तक जाओगे मेरे हिसाब से। आप सब बताना आपसे कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपका भाई यहाँ पर कंप्लीट करके बताएगा, तभी मैं आपको डिटेल के साथ इवेंट के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बात करूंगा इसके बारे में, रिपीटेड इसके बारे में मैंने समझाया, हाँ ब्रदर इसके बारे में समझाया, अब मैं रिपीटेड फायर के बारे में समझाऊंगा। इसमें 20 आपके पास मतलब SMG जो गन होता है ये वाली स्किन रहना चाहिए, 40 रहना चाहिए एंड 60 रहेगा तब का ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा तो यार गरीना इसमें डायमंड वाला ही डाल के रखा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसमें आपके पास मशीन जो गन होता है जो आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपके पास टोटल 12 रहेगा, मेरे पास 7 ही है, तो ये आपका यहाँ पर से पॉइंट ले सकते हो, ज़्यादा तो गरीना ने मतलब ये टॉपअप वाला ही डाला है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर ये फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये AWM वाला गन है, स्नेपर अगर आपके पास रहेगा जितना भी AWM रहे या MA2 भी रहे जितना भी रहे, ठीक है, तो ये जितना आपके पास है मेरे 25 रहेगा तो ये आपका आराम से यहाँ पर से पॉइंट लोगे एंड यहाँ पर हेड होते जाएगा, समझ रहे हो? गाइस थोड़ा भारी मिशन है यार ये सब, तो यार टॉप अप लोग के लिए ब्रदर क्या बताऊं मैं, ये गरीना थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा भारी करी, कभी चेंज नहीं होगा ना, ये हमेशा आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, आप इसे 1 साल में कंप्लीट करो या 5 महीना में कंप्लीट करो या कभी भी कंप्लीट करो, मैं क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। अब गाइज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये गाइज आपको बताने वाली बात नहीं है, मिल जो अपॉन जो एस सेक्शन देख पा रहे हो इस पर क्लिक करोगे जितना भी आपके पास है, बैट है, छनाटा है, समझ रहे हो, बैट की स्किन है या मतलब कटाना की स्किन है, जो भी स्किन है आपके पास जितना रहेगा आएगा, टोटल अगर यहाँ पे 60 है तो ये आपको यहाँ पर से भी पॉइंट मिल जाएगा। और ये वाला तो मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये तो फिस्ट की स्किन है, मेरे पास 2 ही है, आपके पास जितना है टोटल 8 खोज रहा है तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, कभी भी लो कोई भी दिक्कत नहीं है, 1-2 साल में कभी भी ले सकते हो। एंड यहाँ पर बात करूँ गाइज यहाँ पर बीआर के बारे में, तो इसमें है गाइज आपको हीरोइक पहुँचना है, बीआर रैंक में 1 टाइम हीरोइक पहुँचना है, 3 टाइम हीरोइक पहुँचना है, टोटल 10 टाइम, मैं गाइज 9 टाइम पहुँच चुका हूँ, 1 टाइम और पहुँचूंगा मुझे ये क्लेम हो जाएगा एंड यहाँ पर से मुझे ये टाइटल मिल जाएगा, समझ लो, ये तो समझाने बात नहीं है, बीआर रैंक में आपको हीरोइक पहुँचना है। तो अब मैं यहाँ पर से कट करता हूँ एंड बीआर रैंक वाला बता दिया ना कौन था बीआर रैंक, यही वाला था ना, हाँ ब्रदर। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा इसके बारे में, 2 मिशन बचा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये गाइस ग्रेनेड से ट्रिपल किल करना है, ग्रेनेड से 1 टाइम किसी मोड में करो गाइस कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्रिपल किल करना है, ऊपर वाला मिशन में क्वाड किल था, ट्रिपल किल करना है, समझ रहे हो? तो ये आपके मिशन के टोटल 10 टाइम करोगे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये भी तो गाइस भारी वाला ही मिशन है गाइस, क्वाड वाला ये है, ट्रिपल किल वाला। अब मैं नीचे बात करूंगा ये लास्ट वाला जो मिशन बचा हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्काविंग है जो आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपके पास जितना है, मेरे पास 6 है, अगर आपके पास टोटल 8 खोज रहे 8 होगा तो आपको यहाँ पर से पॉइंट मिलेगा। गाइज एक बात मैं क्लियर करूँ गाइज, ये गरीना का देखो अब मैं स्कैम नहीं बोलूंगा, ये इवेंट मतलब क्यों बनाया गया, अचीवमेंट मतलब क्या होता है कोई आपको यूट्यूबर नहीं समझाएगा। यहां पर देखो इसका मतलब है कि आपके जो आईडी में क्या क्या चीज है, कौन सी स्किन है गन की, क्या क्या कितना हेडशॉट मारे हो, कितना लाइक मिला है, यही चीज गाइस इसमें यहां पर अचीवमेंट में यहां पर दिया गया है। ये वाला जो सेक्शन होता है ना परमानेंटली रहने वाला है फ्री फायर में, गरीना ने ये कहीं भी क्लियर नहीं किया 2-3, क्योंकि इसमें आपको यही चीज बताया जा रहा है
है, आप इसे कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। अभी तो फिलहाल गरीना ने इसका कोई टाइम नहीं दिया है, ये बहुत लंबा इवेंट रहने वाला है, ये सब आप समझ लो, समझ रहे हो। तो ये से आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। नए बंदे तो भाई इसे नहीं कर पाएंगे, जो न्यू है ना भाई वे तो नहीं कर पाएंगे, जो ओल्ड बंदे हैं वही कर पाएंगे। अगर आप कर पाओगे ना तो जैसे होता है कि ये सब आप लोग क्लेम कर पाओगे, लेकिन ये इमोट लेने के लिए यार बहुत ज्यादा मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, आपके पास बहुत कुछ रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहां पर इवेंट में समझाया। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कर सकते हो। होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे अचीवमेंट इवेंट के बारे में। एक और क्वेश्चन है गाइज, यहां तक कौन वीडियो देखा है तो आप लोग को जरूर बताना है कि आप लोग का ये पॉइंट कितना हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट बताना है आप लोग ने कितना कंप्लीट किया है अभी तक, ठीक है गाइज। आई होप कि गाइज अब आप लोग को फुल डिटेल के साथ समझ में आ गया होगा। एंड गाइज अगर आप लोग को जो प्रॉब्लम होता है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या ओल्ड हो, अगर आपको पता नहीं है मेरे चैनल पर गिव अवे कैसे होता है, तो लेफ्ट वाला पर वीडियो पर क्लिक करके एंड आप डिटेल के साथ समझ सकते हो लाइव स्ट्रीम एंड वीडियो में कैसे गिव अवे होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो तो आप लोग मेरा राइट साइड वाला वीडियो देखो एंड टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, इवेंट्स के बारे में डिटेल के साथ आप लोग जानो।